छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट भर्ती के बारे में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो है नई भर्ती की शुरुआत जो है हो चुका है। साथ में जो है शिक्षक के 14,000 पदों पर भी आप सभी स्टूडेंट के लिए नए वैकेंसीज, नए अपडेट जो है निकल कर आ रहे हैं। और साथ में वित्त विभाग में, जिसमें आपके तहसीलदार के पोस्ट की बात करें, नायब तहसीलदार के, सहायक ग्रेड 2 के, सहायक ग्रेड 3 के, वाहन चालक के, भृत्य के, तो इन सभी पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपडेट्स, वैकेंसी जो है होने वाला। और साथ में नए शिक्षक के 14,000 पदों पर भी आप सभी स्टूडेंट के लिए भर्ती हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जो है अपडेट्स, एक के बाद एक जो है गवर्नमेंट जॉब्स, एक के बाद एक जो है वैकेंसी जो है भर्तियाँ आप सभी स्टूडेंट के लिए आ रहे हैं। तो बस आप लोगों से एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप लोगों को अच्छे से एग्ज़ाम्स की स्टडी करना, प्रिपरेशंस करना, देन आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से। साथ में आपका जो है बीएड कंप्लीट होना चाहिए, बीएड का रिबन आपका 2 वर्ष का, चाहे बीएड हो चाहे फिर टीएलएड। स्टेट एग्ज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। टेट में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं है तो आप जो है शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बीएड हो या फिर डीएलएड हो, और टेट एग्ज़ाम और ग्रेजुएशंस, यदि ये सभी चीज़ें हैं तो आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने के लिए काबिल हैं, शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं। साथ में यदि आप तहसीलदार बनना चाहते हैं, चाहे नायब तहसीलदार बनना चाहते हैं, आपका जो है ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए, फिर आप जो है छत्तीसगढ़ में तहसीलदार, नायब तहसीलदार के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। तो ये सभी वैकेंसीज, ये सभी गवर्नमेंट जॉब्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से वर्क करना, अच्छे से काम करना। जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, आपके लिए उतने ही ज़्यादा बेस्ट होगा, आपको उतने ही ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट जो है मिलने वाला है। सो अच्छे से वर्क करना, तैयारी करना, ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट, बीएड हो या फिर डीएलएड हो। तो छत्तीसगढ़ में जो है नई भर्तियां 2023 में निकल कर आ चुका है। इसी के साथ जो है एक से बढ़कर एक जो है, एक के बाद एक आप लोगों के लिए भर्तियाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए वैकेंसीज का दौर जो है जारी है। बस आपको मेहनत करना है, आपको तैयारी करना है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो डेली कम से कम सामान्य ज्ञान के बारे में नॉलेज रखिए, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको छत्तीसगढ़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो इसके लिए आप जो है कॉम्पिटिशन्स अकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक ले सकते हैं, जिससे कि आपके छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाए, प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाए, और आपको छत्तीसगढ़ के बारे में जो है कंप्लीट जानकारी, एक एक जानकारी जो है इस वीडियो में जो है मिल सकेगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, आप सभी स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स की स्टडी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा, और डेफिनेटली इसमें कामयाबी, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलने वाला है। साथ में मैथ्स की बात करें, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ्स के क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो पाते। मैथ्स में आपका घातांक अनुपात, सम अनुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लघु गणक, घन घनाभ, औसत, चाल समय तथा दूरी, इनसे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए हम डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक से मैथ्स की स्टडी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, मैथ्स की पढ़ाई करेंगे, आपको गणित के बारे में कम्प्लीट नॉलेज मिल पाएगा। तो अगर आपको गणित के क्वेश्चन से डर लगता है तो डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक से पढ़ाई कीजिए गणित के, ताकि आपको गणित के बारे में जो है कम्प्लीट ए टू जेड नॉलेज, एक एक चीज़ों के बारे में जो है बहुत बारीकी से जानकारी जो है मिल पाएगा। साथ में रीजनिंग के बात करें, जिसमें आपका तार्किक, लॉजिक वाला, वस्तुनिष्ठ, अंगणित पूछे जाते हैं, लॉजिक वाला गणित जो है पूछे जाएंगे, ताकि आपको रीजनिंग, सामान्य मानसिक योग्यता के भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो पाए। तो इन सभी से तैयारी करना, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम्स में जो है बहुत अच्छे से स्कोर आएगा, एग्ज़ाम्स में आपका जो है बहुत अच्छे से नंबर जो है आ सकते हैं, बस अच्छे से मेहनत करना। साथ में अगर हम बात करें आपके कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के, तो जब भी आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं,
और आपको यदि मैथ्स के बारे में नॉलेज नहीं है, गणित के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको किसी भी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो मैथ्स के लिए जो है डॉक्टर आरएस अग्रवाल को बुक, साथ में कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए भी। तो संविधान की कॉन्स्टिट्यूशंस की यदि आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है एम लक्ष्मीकांत के भारत के राज्य व्यवस्था ले सकते हैं, जिससे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाए। क्योंकि बिना संविधान के क्वेश्चन के, बिना संविधान के नॉलेज के, आप जो है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए संविधान के बारे में नॉलेज होना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना। जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, आपको उतने ही ज़्यादा बेनिफिट्स, आपको उतने ही ज़्यादा सफलताएँ आपको जो है मिल पाएगा। सभी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, सभी चीज़ें आपके काम के ऊपर, आपके मेहनत के ऊपर, आपके हार्ड वर्क के ऊपर, आपके प्रिपरेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए काम करना ज़रूरी है, काम किए बगैर परिणाम के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जितना हो सके उतना ही काम करो। आपको मौका मिला है, अपॉर्चुनिटीज़ मिला है, तो इस मौके का, इस अपॉर्चुनिटीज़ का अच्छे से यूज़ कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना जो है स्टडी कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना जो है पढ़ाई कीजिए। और छत्तीसगढ़ में नई भर्ती है 2023 आ चुका है, 14,000 शिक्षकों की भर्ती भी होने वाला है। तो एक के बाद एक जो है भर्तियाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए वैकेंसीज, एक के बाद एक जो है आप लोगों के लिए अपडेट जो है होने वाला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपका पढ़ाई रहेगा, जितना ज़्यादा आपका स्टडी रहेगा, कामयाबी भी उतना ही मिल पाएगा, सक्सेस भी उतना ही मिल पाएगा। सिर्फ कामयाबी के सपने मत देखो, उन सपनों को पूरा करने के लिए भी आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। तो अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, अच्छे से प्रिपरेशंस करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें सक्सेस, डेफिनेटली इसमें कामयाबी आपको जो है मिल पाएगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लीजिए। और वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में वीडियोस को शेयर कीजिए। सो एक के बाद एक जो है नए नए वीडियोस, नए नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जो है मिलते रहेंगे। बस अपना ख्याल रखना, तैयारी करना, कामयाबी के सपने आपने देखे तो उन सपनों को पूरा करने के लिए हार्डवर्क, मेहनत भी तो आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे से हार्डवर्क कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, आपकी ज़िंदगी ज़रूर बेहतर होगा। आज नहीं तो कल आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगा। बस वर्क करते रहिए, काम करते रहिए, मेहनत का फल, मेहनत का परिणाम अच्छा होता है, बेस्ट होता है। सो आई होप, और ख़ुद के ऊपर बिलीव करना, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई हो पाएगा आपका।